राष्ट्रीय बेटी दिवस के उपलक्ष्य में बेटी एक लक्ष्य फाउंडेशन नागरा की ओर से मेधावी छात्रों का सम्मान समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि मंजू भदौरिया ने दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। एक्चुअली आज ये बेटी एक लक्ष्य फाउंडेशन है, इसमें काफ़ी मातृशक्ति हैं, इनकी तरफ से आज ये बेटियों के मेधावी जो बेटियां हैं उनके उत्साह वर्धन के लिए आज ये कार्यक्रम रखा गया है। आज यहां पर आकर बड़ी ही गर्व की अनुभूति होती है कि जिस तरह से हमारी सरकार भी बेटियों के लिए, नारी शक्ति के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए प्रयास कर रही है, उसी क्रम में हमारी मातृशक्ति एक ये ट्रस्ट जो है बेटी एक लक्ष्य फाउंडेशन भी इसी क्रम में आगे बढ़ रहा है। आज यहाँ पर 51 जो हैं बेटियाँ हैं वो आई हुई हैं, उनको उनके चेहरे पर एक अलग सी ही खुशी देखने को मिल रही है और बड़े ही हर्ष के साथ सभी बेटियों का उत्साहवर्धन हो रहा है। सभी को गिफ्ट वगैरह उनको मोटिवेशन के लिए दिए जा रहे हैं, इसमें कुछ चैट वगैरह भी हैं और उनका शील्ड है और उनके सर्टिफिकेट्स हैं। तो आई थिंक हम लोगों, हम सबको इस फाउंडेशन, ये जो एक बेटी लक्ष्य फाउंडेशन है, इससे प्रेरणा लेनी चाहिए। हम सबको इस तरह के कार्यक्रम आयोजित करने चाहिए समाज में, जिससे कि समाज की बेटियां और उनके पेरेंट्स पढ़ाई, बेटियों की पढ़ाई के लिए आगे प्रेरित होंगे और बेटियों को सहयोग करेंगे। और हमारी बेटियां, मेरा मानना है, एक परिवार और समाज का ही विकास नहीं करती, बल्कि अगर हमें अपने भारत को एक श्रेष्ठ, सुदृढ़, सशक्त भारत बनाना है तो एक बेटी का पढ़ा लिखा होना बहुत ही आवश्यक है। मैं ऋचा वाशनी, बेटी लक्ष्य फाउंडेशन आगरा की अध्यक्ष। मैंने आज यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय बेटी दिवस पे ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करा है। यहाँ पे मैंने उन बच्चियों को बुलाया है जिन बच्चियों के माँ बाप बहुत मेहनत करते हैं, उन्हें पढ़ाते हैं, और जो बच्चियाँ हाई स्कूल इंटर में बहुत अच्छे मार्क्स से पास हुई हैं, मैं उन बच्चियों को प्रोत्साहन दे रही हूँ, चेक दे के उनको सर्टिफिकेट दे के, उनको एजुकेशन संबंधित स्टेशनरी दे के, जिससे बच्चियाँ आगे पढ़ें। और मेरा कहीं ना कहीं मोटिव रहता है कि मैं उन बच्चियों को पढ़ाने के लिए प्रेरणा दूँ, मुझसे जैसा बनता है मैं उनकी मदद करती हूँ। मैं फिर उनको बच्चियों की, मैंने फ़ीस भी दी है, पूरे पूरे साल की बच्चियों की फ़ीस भी देती हूँ मैं, जहाँ मुझे जैसी जरूरत होती है मैं वहाँ उन बच्चियों की वैसे मदद करती हूँ। आज इस कार्यक्रम में आपने जो है वो महिलाओं को ही चुना, क्यों चुना है? क्योंकि सब महिला एक बेटी हैं और बेटी से वो आज महिला बनी है और इस पद पर है कि उन्हें हम सम्मानित कर रहे हैं, इसलिए बच्चियों को देख के मोटिवेशन मिले, वो बच्चियाँ जाके कि हम भी कहाँ पर बैठ सकते हैं, हम भी इतना कुछ कर सकते हैं, हम भी मेहनत करके कुछ भी हासिल कर सकते हैं।